हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। शाहरुख खान की नई फिल्म को लेकर के दोस्तों सस्पेंस बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि शाहरुख खान की नई फिल्म कौन सी होगी। और पिछले दिनों खबर आई थी कि विशाल भारद्वाज के साथ शाहरुख खान फिल्म करने वाले हैं, जिसको लेकर के शाहरुख खान के फैंस दोस्तों नाराज थे कि शाहरुख खान के फैंस को ऐसी फिल्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विशाल भारद्वाज कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाते। एसआरके के फैंस चाहते कि शाहरुख खान कोई बड़ी इवेंट फिल्म लेकर आए, साउथ के किसी बड़े डायरेक्टर के साथ फिल्म लेकर के आए, या फिर बॉलीवुड में बड़े डायरेक्टर के साथ काम करें। लेकिन विशाल भारद्वाज इस टाइप की फिल्में नहीं बनाते, इसलिए एसआरके फैंस चाहते थे कि विशाल भारद्वाज की फिल्म शाहरुख खान ना करें। तो दोस्तों, एसआरके फैंस के लिए ये खुशखबरी है कि शाहरुख खान ने विशाल भारद्वाज की फिल्म साइन नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने भी कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। शाहरुख खान अलग अलग डायरेक्टर से स्टोरी सुन रहे हैं, जिसमें दोस्तों राजन डीके की एक कहानी है, जो कि काफी टाइम पहले से ऐसा करके सुनते आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। एंड दूसरी कहानी है दोस्तों फराह खान की। फराह खान की फिल्म दोस्तों शाहरुख खान जरूर करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की वो फिल्में बनाती हैं मसाला एंटरटेनर, भले क्रिटिक्स को उनकी फिल्में ना पसंद आए, लेकिन फिल्म में उनके एंटरटेनमेंट जबरदस्त होता है। चाहे उनकी फिल्म आपने मैं हूं ना देखी हो, या फिर हैप्पी न्यू ईयर देखी हो, या फिर उनकी थी ओम शांति ओम। उनकी एक फिल्म फ्लॉप हुई जो कि शाहरुख खान के साथ नहीं की थी, वो थी 30 मार खान। अक्षय कुमार के साथ वो फिल्म आई थी और वो फिल्म दोस्तों जबरदस्त फ्लॉप हुई थी। बाकी ओम शांति ओम दोस्तों ब्लॉकबस्टर थी, मैं हूं ना सुपरहिट थी, हैप्पी न्यू ईयर भी सुपरहिट थी। तो ऐसा कि जिस तरीके से प्रेजेंट करती हैं फराह खान, वो जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करती हैं। एंड फराह खान के साथ हो सकता है शाहरुख खान ये फिल्म कर ले, क्योंकि वो काफी अच्छे दोस्त भी हैं और साथ में फराह खान शाहरुख खान को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती हैं। एंड अगर एक्शन की बात की जाए तो फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का वो आपने स्टार्टिंग वाला सीन देखा होगा, जिस तरीके से शाहरुख खान की एंट्री होती है, क्या कमाल की एंट्री है। उसको देख करके पता चल जाता है कि फराह खान दोस्तों एक्शन फिल्म भी काफ़ी अच्छी बना सकती हैं अगर वो बनाना चाहें तो। हो सकता है कि दोस्तों ये जो फिल्म बनना रही है फराह खान, जिसकी स्टोरी शाहरुख खान को सुनाई जा रही है, वो मैं हूं ना 2 भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो कमाल हो जाएगा। आपने देखा है कि पिछले साल 2023 में शाहरुख खान ने जितनी भी फिल्में की, 3 फिल्में की थी, तीनों फिल्मों में शाहरुख खान का दोस्तों जो कैरेक्टर था वो फौजी का कैरेक्टर था, एक आर्मी ऑफिसर था। और अगर ऐसे में दोस्तों शाहरुख खान अगर मेजर राम को वापस ले आए तो भाई साहब थिएटर फट जाएगा। मेजर राम का जो कैरेक्टर का जो वजन है, जो दम है, वो गजब का यार, वो नाम ही बहुत भारी है। अगर मेजर राम का कैरेक्टर वापस आ जाता है तो ये फिल्म दोस्तों कामयाबी के नए झंडे गाड़ देगी और ये फिल्म डेफिनेटली दोस्तों 1000 करोड़ से ज्यादा कमाएगी। तो आप बताओ दोस्तों, क्या लगता है आपको, शाहरुख खान को फराह खान की फिल्म करनी चाहिए या साउथ के किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, या फिर बॉलीवुड में से किसी बड़े डायरेक्टर जैसे सिद्धार्थ आनंद या संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ उन्हें काम करना चाहिए, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। एंड अगर मित्र शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।